जिला परिषद के सीईओ दिलीप स्वामी फिलहाल एक्शन मोड पर हैं। कर्मचारी सावधान रहे, नहीं तो आपकी छुट्टी छीन ली जाएगी। सोलापुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी इस समय एक्शन मोड पर हैं। वो फिलहाल चलते फिरते दो चार कार्यक्रम करने के मूड में हैं। बुधवार को उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों की बैठक ली और विभिन्न सुझाव दिए। इसमें से मुख्य रूप से प्रत्येक विभाग प्रमुख को नागरिक शिकायत निवारण बैठक कर उस पर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए थे, लेकिन जब ये देखा गया कि किसी ने ऐसा नहीं किया है तो उन्होंने फिर से समय सीमा बढ़ा दी और ऐसा नहीं करने पर विभाग अध्यक्ष को कार्यवाही की चेतावनी दी। नव भारत समाचार सोलापुर से विश्वनाथ बिराजदार की रिपोर्ट। शिक्षकाचे प्रमाण बरंच कमी झाले, आणखी येत आहेत आणि आता जर शिक्षक विधा परवानगी आलं तर मुख्याध्यापकांची कारवाई केली, ते पण हे केलेलं आहे। आणि आज आम्ही सांगितलं की जर गॅरंटी कार्ड नसेल तर त्या दिवशी रजा समजली जाईल आणि रजा संपली असेल तर मग त्या दिवस पगार काढता येईल, कारण आता बंधनं कायद्यानंच केलं पाहिजेत असं वाटायला लागलं। त्यामुळे मी आज सूचना दिली सर्व एचओबींना आणि शिक्षण विभागाची आज बैठक झाली, त्याच्यामध्ये पूर्ण विषयाचा आढावा घेतला आणि जे प्रलंबित काम आहेत ते सगळे एक आठवड्यामध्ये मार्गी लावायच्या सूचना दिलेल्या आहेत।